जय गुरुदेव। जीवन को प्रकाशित करने के लिए जैसे सूर्य भगवान की आवश्यकता होती है, हम ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हमारे जीवन में गुरु की महत्ता होती है, हम उस आलोक में अपने आप को व्यवस्थित और आनंदित अनुभव करते हैं जब ज्ञान का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और गुरु की छत्र छाया रहती है। क्योंकि हमारे जीवन में जो अभाव हैं वो व्यवस्था जनित हैं, और व्यवस्था जनित अभाव को हम स्वयं प्रयास करके दूर कर सकते हैं। दैव कृपा से वे दूर हो सकते हैं अथवा अनुग्रह से अनुकूलता पाई जा सकती है। यह परमात्मा की कृपा अनुदिन जीवन में व्यवस्थित होती रहे, हमारे जीवन में अनुकूलता, दिव्यता और भव्यता आए, इसलिए हम तप, उत्सव, आनंद और प्रसन्नता मूलक जीवन जीना चाहते हैं। परम वैभव आनंद से आता है। वह आनंद हमारे अंतःकरण में अनुस्यूत भावना है जो प्रतिपल प्रकट होती है। अत्यंत आनंद का विषय है कि आज हम पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी पर चर्चा कर रहे हैं। पुत्रदा एकादशी, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें पुत्र की कामना की गई है, पुत्र प्राप्ति होती है। और वह गुरुओं के आशीष से हमें कैसे प्राप्त होती है, इसकी चर्चा इसमें मिलती है। यह अत्यंत पवित्र मास है, साधना का मास है, जिस मास में हम भगवान नारायण का स्तवन, मनन और पूजन करते हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम हम पुत्रदा कहते हैं। इस मास की इस एकादशी के अधिष्ठित देवता नारायण हैं, श्री कृष्ण हैं। वे परम ऐश्वर्य का, आनंद का और उल्लास का हमें आशीष देते हैं। इस एकादशी के दिन हमें अत्यंत सात्विकता का वर्ण करना चाहिए, आहार शुचिता रखनी चाहिए, मन में वैर नहीं होना चाहिए। हम अगर निष्कंटक जीवन चाहते हैं तो किसी के प्रति भी हमारे मन में वैर की गांठ न हो, क्योंकि वह वैर की गांठ जिसमें होती है उसको ही कष्ट होता है। हमें चारों ओर परमात्मा की कृपा, प्रासादिकता, प्रसन्नता और आनंद अनुभव में नहीं आता, क्योंकि हमारे जीवन में क्रोध की गांठ, अहंकार की गांठ, ईर्ष्या की गांठ, इन गांठों के कारण ही हमारा जीवन लघुता को प्राप्त हो जाता है। हम अगर निष्कंटक रहना चाहते हैं तो ग्रंथि रहित होना होगा, अपने मन की गांठें खोलनी होगी, सरल और सहज होना होगा, स्वाभाविक जीवन जीना होगा। क्योंकि प्रसन्नता का मापदंड अंतःकरण की प्रांजलता है। जिसका मन जितना निर्मल है, प्रांजल है, वो उतना पवित्र है, वो परमात्मा के उतने निकट है, वो अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहा है। इसलिए वस्तु सापेक्ष निर्णय नहीं हो सकता, विषय सापेक्ष निर्णय नहीं हो सकता, अंतःकरण सापेक्ष निर्णय होगा, जो भगवान नारायण श्री हरि की कृपा से हमें प्राप्त होगा। पूर्व काल में भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान नाम के बड़े ही यशस्वी राजा थे, जिनकी पत्नी का नाम चंपा था। वे निरंतर सत्कर्म करते हुए अपने राज्य का सुचारू संचालन किया करते थे। अत्यंत प्राचीन बात है यह,
शास्त्रीय चर्चा है कि वे राजा निरंतर अपनी प्रजा पालनता के क्रम में इतने उन्नत थे कि जब उनके प्रजा के मुख में आहार जाता था तभी वे भोजन करते थे, जब उनकी प्रजा प्रसन्न होती थी तभी वे प्रसन्न होते थे। वे निरंतर सत्कर्मशील थे, पुण्य कर्मरत थे। उनके राज्य में अनेक सरोवर, कुएं, वापी और अत्यंत प्रशस्त मंदिरों का निर्माण निरंतर होता रहता था। प्रत्येक व्यक्ति की चित्त चेतना में वे आनंदपूर्ण व्यवस्था प्रदान करते थे। ऐसे महान यशस्वी राजा जो सुकेतुमान अपनी पत्नी चंपा के साथ ठीक ठीक जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। उस संतान के न होने से बार बार उन्हें लगता था कि अब हमारे जीवन में बाद में कौन राज्य का संचालन करेगा, कौन हमारा पिंडदान करेगा, कौन हमें गया जी में हमारा श्राद्ध करेगा, कौन तर्पण करेगा, कौन जलांजलि देगा। इस तरह का विचार राजा को एकांतिक क्षणों में अत्यंत व्यथित कर देता था। राजा सुकेतुमान अपने पितरों को जब जल तर्पण करते थे, जल अर्पित करते थे, तब उनके पितर उस जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके मनोवे ग्रहण करते थे। संततियों के अभाव में कुल नष्ट हो जाएगा, इस विचार से वे पितर भी अत्यंत द्रवीभूत थे। एक दिन की बात है, राजा के मन में शिकार खेलने की उत्कंठा हुई। वे बिना किसी को बताए, राज्य में बिना किसी को सूचना दिए वन की ओर चले गए। वन में बहुत एकांत था। वहाँ उन्हें सियार की, लोमड़ी की, भालू की, अन्य जीव जंतुओं की भयानक आवाज आने लगी। वे निरंतर यह विचार करने लगे कि ये जीव जंतु कितने क्रूर हो सकते हैं, इनकी वाणी सहज नहीं है, इनकी वाणी में कितना तीखापन है। इस तरह का विचार करते हुए वे दोपहर पर्यंत भूख प्यास से व्याकुल हो गए और प्यास की क्षुधा की तृप्ति के लिए, भोजन के लिए वे आकुल और आतुर होते हुए जैसे ही जंगल में बढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बहुत ही अप्रतिम सरोवर है जहां नील कमल खिले हुए हैं, वहां सुंदर हंस अपनी हंस ध्वनि कर रहे हैं, पास ही कुछ ऋषि मुनि अत्यंत आनंदपूर्ण ढंग से यज्ञ हवन और अनुष्ठान कर रहे हैं। राजा सुकेतुमान ने तपस्वी ऋषियों को देखा, उनको देखते ही मन में पवित्रता का भाव जगा, प्रणाम करने की इच्छा हुई। अपने घोड़े से उतरकर राजा सुकेतुमान ने क्रमशः प्रत्येक ऋषि को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीर्वाद लेने के अनंतर प्रसन्न होकर जब उनके मुख कमल की ओर देखा, तब ऋषियों ने कहा कि हम आपसे प्रसन्न हैं, वरम ब्रूहि, कुछ वर मांग लीजिए, क्योंकि गुरुजनों का दर्शन अत्यंत शुभकारी होता है। राजन ने कहा, मैं बहुत अधीर हूँ, भूख प्यास से व्याकुल हूँ, लेकिन आपको देखकर मेरा मन बहुत तृप्त हो रहा है। ऐसा लगता है कि गुरु के दर्शन मात्र से जीवन में पवित्रता का संचार हो जाएगा। मैं कई कई बार यह विचार करता हूँ कि मेरे यहाँ संतान नहीं है, तो मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होगा, और आप ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरी संतति हो जिससे मेरे कुल परंपरा का विस्तार हो, और आप कौन हैं अपना परिचय भी दें। तब ऋषियों ने कहा कि हम विश्वेदेव हैं, हम ऋषि हैं, भगवान की आराधना पूजा करते हैं, और पवित्र माघ मास आने वाला है, बस 5 दिन बाद माघ का महीना लग जाएगा, हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। राजन, लेकिन तुम बहुत उचित समय पर आए, आज
पुत्रदा एकादशी है। आज के दिन तुम अगर निराहार रहते हुए, इंद्रिय संयम करते हुए, मन से सत्संकल्प लो और गुरुजनों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो। तुम रात्रि जागरण करते हुए भगवत चिंतन करो, भगवत नाम का आश्रय लो, भगवान का गुणानुवाद करो, तब निश्चय ही तुम्हारे यहाँ एक यशस्वी संतान प्राप्त होगी तुम्हें। ऐसा आशीर्वाद जैसे ही विश्वेदेवों ने दिया, राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने नियम पूर्वक उस दिन निराहार रहते हुए, सत्संग करते हुए, गुणीजनों का आश्रय लेते हुए, भगवान नाम का जप करते हुए सारी रात बिता दी और प्रातःकाल द्वादशी को पारण किया। इसके प्रभाव से उनके घर में एक यशस्वी दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिससे उस कुल का उद्धार हुआ। यह पुत्रदा एकादशी जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की तिथि में पड़ती है, इसकी महिमा अपरंपार है, इसकी व्रत कथा अपूर्व है। जो कोई भी इस कथा का श्रवण करता है, इसका प्रसार करता है अथवा हुंकारी भरता है, उसके जीवन में कुल परंपरा का विस्तार होता है, उसके श्रेष्ठ उत्तराधिकारी उसे प्राप्त होते हैं, उसके जीवन में सुख सौविध्य आता है, गुणी जनों का आश्रय मिलता है, सत्कर्मशीलता आती है। यह पुत्रदा एकादशी हमारा ही अनंत विस्तार, जो प्रकृति में पोषित होकर के भगवान की कृपा से सम्मिलित होके तथा अनुकूलताओं के माध्यम से प्राप्त होता है। संपूर्ण विश्व में लोक मंगल हो, विश्व शांति हो, पुत्रदा एकादशी के इस पुनीत अवसर पर पूज्य महर्षि महेश योगी जी के दैवीय आशीष से सम्मिलित इस महर्षि महेश योगी संस्थान में ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी के स्नेह सौख्य से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।